उत्तराखंड में बारिश की वजह से चारधाम यात्रा में खलल पैदा हो सकता है। केदारनाथ में सेफ जोन सेंटर पर यात्रियों को रोका गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गौरीकुंड से ऊपर दोपहर के बाद यात्रा न शुरू करने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक अनोखा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां पर ट्रक पलटा और फिर पुल के नीचे जाकर लटक गया। सड़क हादसे के बाद ट्रक का ट्रेलर पुल से नीचे लटक गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसकी वजह से 2 लोग घायल भी हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये आग यहाँ पर मौजूदा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पास लगी हुई है। इस आग से यहां पर मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क को खतरा पहुंच रहा है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट और वन विभाग के लोग मिलकर इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत डेंजर आग है, लेकिन जो जहां तक हमारी अप्रोच है वहां तक तो हम करेंगे। तो बाकी अभी कितना मुश्किल हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे हम इससे फायर बटर वगैरह से या फायर बकेट से बुझवा रहे, आग जो बुझा रहे हैं, तो उससे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। पुलिस की टीम भी लगी है, फॉरेस्ट भी लगे हैं। गुरुग्राम में बीएसपी संस्थापक काशीराम की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम सेक्टर 4 के अंबेडकर नगर में काशीराम की मूर्ति को कुछ नकाबपोश बदमाशों ने तोड़ दिया। पूरी घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है और नकाबपोश आरोपी ने काशीराम की मूर्ति पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो दूसरों की बाइक्स और गाड़ियों में आग लगा देता है। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। गिरफ्तार शख्स का नाम सुनील किशोर उर्फ नंदू है। सुनील की गिरफ्तारी कापसेड़ा इलाके से हुई है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार गाड़ियों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सरकारी डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के प्रस्ताव को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। ये फैसला 31 मई 2016 यानी आज से लागू हो गया है। इसकी जानकारी आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी। पीएम मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा कि इस फैसले से देश में हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखलाक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लैब रिपोर्ट से साफ हो गया कि अखलाक के घर में रखा हुआ मांस मटन नहीं, बीफ था। मथुरा की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट की जांच में बताया गया है कि मोहम्मद अखलाक के फ्रिज से लिए गए सैंपल गाय के मांस के ही थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अफ्रीकी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दिल्ली में कांगो के नागरिक की मौत को नस्लीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया। अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात के दौरान सुषमा स्वराज ने साफ किया कि ओलिवर की हत्या भारत के लिए सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि दर्दनाक भी है। दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति होने के आरोप पर सोनिया गांधी ने सफाई दी है। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी ने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे किसी आरोप पर सफाई दी है। संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, रॉबर्ट पर लगे आरोप साजिश का हिस्सा है। आरोपों के मुताबिक हथियारों के सौदेबाज संजय भंडारी ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को घर खरीद कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वाराणसी में दलित परिवार के घर खाना खाया। विरोधियों ने अमित शाह के समरसता भोज को नाटक करार दिया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आईटीआई के छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। आईटीआई कर रहे छात्रों को डिप्लोमा के साथ 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में आग लगने की वजह से सेना के दो अधिकारियों समेत 17 जवानों की मौत हो गई है। 19 जवान घायल हैं। बीती रात करीब 1:30 बजे वर्धा के पुलगांव में बने सेना के हथियार डिपो में आग लगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 5000 किलो प्याज सड़क पर फेंक दी। जैसे ही किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर प्याज फेंकी, उसे लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खेलते वक्त एक बच्ची का सिर घड़े में फंस गया। घटना शिवपुरी जिले के सालोन गांव की है, जहां बच्ची का सिर खेलते वक्त स्टील के घड़े में जा फंसा। जब परिवार वालों ने देखा तो होश उड़ गए। फौरन वेल्डिंग वाले को घर बुलाया गया। इसके बाद बेहद सावधानी से घड़े को काटा गया। इस दौरान मां ने बच्ची को पकड़ रखा था। काफी देर की मशक्कत के बाद घड़े को काटा गया। रात की बात यह रही कि बच्ची को कोई चोट नहीं आई। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। हालांकि इन चुनावों में आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी नेता बटे हुए दिख रहे हैं। पार्टी के महासचिव और मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव अजीत सिंह को भरोसेमंद नहीं मानते। गुजरात के वडोदरा में आज अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। नाराज लोगों ने न सिर्फ कई गाड़ियां फूंक दी बल्कि निगम और पुलिस की टीमों पर भी पथराव किया। दिल्ली के किराड़ी में 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। बच्ची को घर से उठाकर ले जाते हुए आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। हालांकि उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपनी मांग मनवाने के लिए गांव वालों ने अनोखा तरीका अपनाया है। स्थायी पुल की मांग को लेकर गांव वालों ने जल सत्याग्रह का सहारा लिया है। यहां कुआनो नदी पर स्थायी पुल की मांग को लेकर लोगों ने जल सत्याग्रह का सहारा लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में कल जुकोस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। मॉस्को में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले से मौजूद है, लेकिन बढ़ते दैनिक यात्रियों के चलते नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है। मेमोरियल डे के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल अर्लिंगटन नेशनल सीमेंट्री जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को मेमोरियल डे के मौके पर व्हाइट हाउस के उत्तरी हिस्से को एक संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद बंद कर दिया गया। उस वक्त ओबामा भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। मेक्सिको के फुटबॉल खिलाड़ी एलन पुलिदो को उनके अपहरण होने के 2 दिन बाद कल छुड़ा लिया गया। शनिवार को एक पार्टी से लौटते वक्त एलन का अपहरण कर लिया गया था। जर्मनी की एक मानवीय संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर जारी यह तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें एक राहतकर्मी के हाथ में भूमध्य सागर में डूबकर मरे एक बच्चे को दिखाया गया है। पिछले हफ्ते इटली और लीबिया के बीच समुद्र पार करते सैकड़ों प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में सीरिया के एलेपो शहर में बमबारी के बाद के हालात को दिखाया गया है। यह एलेपो शहर का वो इलाका है जो आईएसआईएस के कब्जे में है। सीरियाई वायुसेना की इस बमबारी में आम नागरिकों की दुर्दशा को दिखाया गया है।